नमस्कार, मैं हिंदुस्तान हॉर्सेस दंगल से आज मुजफ्फरपुर के पास हरदी मेला में आया हूं, जो मुजफ्फरपुर बिहार में लगा है। ये घोड़े का एक अच्छा मेला है, तो मैं यहां के मेला मालिक से कुछ जानना चाहता हूं इस मेले के बारे में। तो आइए हम यहां के मुखिया मंटू सिंह जी, जो मेला मालिक हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। तो मुखिया जी, पहले तो आप अपना परिचय दें। मंटू सिंह उधरा केस मेरा नाम हुआ, ग्राम पोस्ट हरदी थाना कथैया जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ जी। यह मेला जो है जी 1998 से लग रहा है जी। ये मेला को लगाने वाले जी बाबू किशन प्रसाद नारायण सिंह है जी जी। और मेला जो है बसंत पंचमी के अवसर पर मेला का जो है जी उद्घाटन रखा गया जी जी। और यह मेला का सबसे विशेषता है जी, यहाँ रख रखाव मवेशी के मवेशी को जी, और व्यापारी का जो भी है जी जी विधि व्यवस्था जी दिया जाता है जी। और हमारे जवार का जो है जी हर किसी का जी इसमें सहयोग रहता है जी जी। और मेला में कोई भी व्यापारी आए, किसी तरह का कोई दुख तकलीफ हो जी, और मेला में जो है उस तरह का नहीं, जैसे सोनपुर मेला लगता है वहाँ लुटेरा मेला है जी। यहाँ आज भी जो है 700 रुपया ही लिखाई लगता है जी जी, और व्यापारी को व्यवस्था भी दिया जाता है जी। तो आप हम जाओ सुने हैं कि यहाँ घोड़ा का मेला लगता है, बैल का भी मेला लगता है। घोड़ा का मेला लगता है, बैल का मेला लगता और, है। और ये घोड़ा के मेला के बाद सुने कि यहाँ लकड़ी का भी बहुत बड़ा मेला लगता है। लेबर पर यहाँ लकड़ी का फर्नीचर का मेला लगता है जी जी। जो फर्नीचर यहाँ आरा बलिया छपरा मुजफ्फर बहुत दूर दूर तक यहाँ से फर्नीचर। तो क्या है इस मेला में सस्ता फर्नीचर और घोड़ा भी मिलता है कि केवल मेले लगता है? घोड़ा भी सस्ता मिलता है जी, और फर्नीचर भी सस्ता मिलता है। तो यहाँ बाहर के भी व्यापारी लोग आते हैं घोड़ा लेके? सर बहुत व्यापारी बाहर के आते हैं, बंगाल से आते हैं जी, यूपी से आते हैं जी जी, बिहार के हर कोना से आते हैं जी जी। बिहार में जैसे सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया जी जी, राघोपुर हो गया, पटना हो गया जी जी, बक्सर सब जगह के व्यापारी। हम इस मेले में देख रहे हैं कि कई घोड़े राजस्थान नस्ल के हैं, तो ये राजस्थान नस्ल के भी घोड़े इधर इस मेले में आ रहे हैं। और यहाँ रेस भी आप ऑर्गेनाइज कराए हैं, तो ये रेस कैसे होता है, इस रेस का नियम कानून क्या है, थोड़ा इस मेले में बता देंगे? यहाँ जो है बल्होत्रा नस्ल का जो घोड़ा है जी है जी, वहाँ यहाँ का व्यापारी लोग है, कुछ ऐसे लोग है जी, डोमन राय हुए जी, रवि राय हुआ जी, शिवानंद सिंह हुए जी, ये लोग जो है रेसवाज बच्चा वहाँ से लाता है जी। और हम लोग हम भी 2 साल से गए थे वहाँ से जी, 2-4 बच्चा लाए थे जी जी। अंटू बाबू हुए मोतिहारी के जी, ये लोग रेसवाज बच्चा रखता है जी, और उसको बनाकर बिक्री भी करता है जी। और यहाँ का रेस का नियम है जी, छोटे घोड़े वाला हो या बड़े घोड़े वाला हो जी, यहाँ चाल का रेस होता है जी, छर्दवाल का रेस नहीं होता है जी। कोई सवार घोड़ा कबरा दे, कितना हो बड़ा हस्ती हो, उसे हमको कोई इस मेला के और हरदी पंचायत के जनता को लेना देना नहीं जी। वह चाल में रहेगा उसको इनाम पुरस्कार मिलेगा जी, जो चाल में नहीं रहेगा जी उसको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम देख रहे हैं कि आपके टेंट में कुछ घोड़े बंधे हुए हैं, तो क्या कृपया चल के अपने घोड़े के बारे में वो बता देंगे? ये घोड़ा जो है ये भी राजस्थान का बच्चा है, छकरी बच्चा है जी जी, ये भी राजस्थान का बच्चा है, चौकरी बच्चा है जी जी। ये भी 3 महीना का बछेरी है जी। ये कौन सी नस्ल की? सिंध नस्ल। ये घोड़ी हिमनी है जी, अभी 40 पार चलती है। तो सर इसी के बारे में जो बात हो रही थी कि ये शील्ड भी अभी जीती है, किस रेस में जीती है? मोतिहारी में ये शील्ड अभी एक प्रथम जी लाई है जी, और एक बच्ची भी दी हुई है। अच्छा जी, बछेरी दी, बछेरी देने के बाद उसका ये अरबदार जी जी, जो बछेरी अब, वही है। अच्छा यही बछेरी है, बछेरी है, है जी 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 जी। ये आपके अपने घोड़ी की ही बछेरी है? घोड़ी की बछेरी है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। और मुखिया जी से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।
प्रयास करेगी। नमस्कार दोस्तों, हम आज अभी हरदी मेला मुजफ्फरपुर बिहार में आया हूँ और मैं आपको यहाँ के जो महाराज हैं और जो मेला मालिक हैं, मैं उनसे आपको बात कराऊंगा इस मेला के बारे में। वो अपने मुखारबिन से कुछ कहेंगे, तो मैं महाराज से, महाराज अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना जी हुआ, जी मुन्ना बाबू हुआ जी, यहाँ पे रहने वाले हैं। और आप ये बताइए, ये मेला कब से लग रहा है और कैसे, पूरा जो आप इतिहास है इस मेला का बताइए। और ये मेला जो है आपका 1898 से ये लग रहा है। जी जी जी, और आज इसका करीब करीब 122 वर्ष हो चुका है। जी जी, और उस समय से लग रहा है, उस समय तो थोड़ा सा ज्यादा इसका व्यवस्था था, बहुत बड़ा था। जी जी, लेकिन आज के दिन बैल जो है, जी जो वहाँ जो आप पुल से जो आए हैं, जी जी कल्याणी पुल, जी जी वो जहाँ से हाई स्कूल आपको मिला होगा, जी जी बाबा का है, जी जी और वहाँ से ये लगता था मेला जी, लेकिन अब तो बैल का मामला बाजार ही खत्म हो गया। जी जी, तो बैल तो अब कोई यूज में रहता नहीं। अब ये घोड़े का मेला जो है जी अभी एग्जिस्ट कर रहा है और उम्मीद हम करते हैं कि घोड़ा, इतना ज्यादा नंबर ऑफ घोड़ा जी बहुत कम मेले में ही हो। जी जी जी, और ये जो घोड़ा हटेगा तो इसमें लकड़ी का सबसे बड़ा, अच्छा यहाँ लकड़ी का भी मेला लगता है घोड़ा मेला के बाद, यहाँ बस जस्ट उसके बाद लकड़ी आपका लग जाए। जी जी, तो ये इस घोड़े, इस मेला जो घोड़े का मेला है, इसके विस्तार के लिए आप लोग सोच रहे हैं कि इसको और ज्यादा विस्तारित किया जाए? विस्तारित किया जाए, ये जो अब मृत प्राय हो रहा है इसको फिर से। जी जी, लेकिन ये चीज है कि घोड़े में है कि कुछ यंगस्टर्स का भी, कुछ नवयुवक वर्ग भी जी रखने का टेंडेंसी, चढ़ने की टेंडेंसी ये बन चुकी है। जी जी, इसलिए इसका थोड़ा बहुत विकास अभी जी करते। हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अच्छा, और रेस भी आप लोग कराते हैं यहाँ, तो अच्छा रेस कराएं और मेला को और भी अच्छा तरीका से करें, ताकि और बाहर से व्यापारी लोग भी आएं और अपना यहाँ बाहर के लोग भी आएं और इस मेले को और ऊंचाई पे आप लोग ले जाएं। इसी के को कहते हुए मैं अपने आपको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के मेला की पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ और मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग हरदी मेला आइए, देखने लायक मेला है और ये इसको देखिए और आनंद लीजिए। यहाँ अच्छे नस्ल के भी घोड़े आ रहे हैं और लोकल नस्ल ब्रीड के भी घोड़े आ रहे हैं, तो इसमें जिसको जो चाहिए वो उपलब्ध है। और ये मेले, इस मेले का जो रेट है एक अच्छा एवरेज रेट है, इसमें मतलब अच्छे अच्छे घोड़े कम दामों में मिल जाते हैं। धन्यवाद।